फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मैं नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम तीन चीज़ों से ही एक बहुत ही बेहतरीन नमकीन बना सकते हैं। हमने परमल ले लिया है, मूंगफली चना ले लिया है। हमें परमल ज़्यादा लेने हैं, मूंगफली चने कम लेने हैं। अब हमने कढ़ाई में परमल डाल दिए हैं, साथ ही में हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब इसे हम हिलाते चलेंगे और साथ में हमने इसमें चना मूंगफली डाल दिया है। इसे हमें तब तक हिलाना है जब तक हमारे ये चना मूंगफली क्रिस्पी नहीं हो जाते और कुरकुरे नहीं हो जाते। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम फिर से इसे हिलाएंगे और बीच बीच में हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी ये कुरकुरी हुई है या नहीं। आप शाम की चाय के साथ इस नमकीन को खा सकते हैं और इसमें 1% भी ऑयल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी हुई है नहीं। अब हम इसे फिर से, अभी थोड़ी सी नहीं है, अब हम फिर से इसे भून लेते हैं, हिला लेते हैं। अब ये हमारी हो चुकी है। आप इसे शाम की चाय के साथ जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी घर की बनी हुई नमकीन कैसी लगी है। केवल तीन चीज़ों से बनने वाली ये नमकीन है जिसमें कोई किसी तरह का तेल नहीं डाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे जो डेली की मेरी रेसिपी जो आएंगी, आप उसको देखिए और बताएं कि आपको कैसी लगी है। और मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मेरी अगली रेसिपी का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय बाय।